गुर्जर रहे NH3 पर सुबह सुबह आधा दर्जन नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी को जमकर लाठियों से पीट पीट कर घायल कर दिया। बदमाशों की पिटाई से शहर अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। बता दें आपको, शहर अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी अपने घर से सुबह NH3 पर मौजूद एक ढाबे पर गए हुए थे कि तभी पीछे से घात लगाकर आए आधा दर्जन नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद बदमाश वहां से बेखौफ होकर फरार हो गए। ढाबे पर मौजूद लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस और परिजनों को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उन्हें गंभीर हालत को देखते हुए धौलपुर जिले के नजदीक आगरा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शहर अध्यक्ष का पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए SP केसर सिंह शेखावत ने पुलिस टीम गठित कर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। मुश्ताक मुसलमान के साथ करीब 7-8 लोगों द्वारा मारपीट की घटना हुई है। इस संबंध में मुश्ताक मुसलमान के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। श्रीमान SP साहब ने टीम गठित कर मुजरिमों की तलाश जारी। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर कुछ नकाबपोश बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। ये जानकारी, ये वीडियो मुझे अभी मिला। इसके लिए मैंने अभी SP धौलपुर से बात की है और राजस्थान सरकार में और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी है श्री अशोक गहलोत जी से आग्रह करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुरंत प्रशासन को सख्त निर्देश दें कि उन अपराधियों को गिरफ्तार करें और न्याय की व्यवस्था करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को मजबूरन सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। इस राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है।